किसी भी जियो नंबर का कॉल डिटेल्स या कॉल हिस्ट्री को कैसे निकालें, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। पूरी यह जेन्युइन तरीका है, यह आप भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको माय जियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप माय जियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे 3 लाइन आपको दिखेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट कैन बी जनरेटेड फॉर लास्ट 180 दिन। तो आप 180 दिन तक जो है कॉल डिटेल्स या और कॉल हिस्ट्री को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 7 दिन है, 15 दिन है, 30 दिन तक आप निकाल सकते हैं, ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे 30 दिन पर ही हम क्लिक कर देते हैं, कॉल डिटेल्स निकालना चाहते हैं जियो मोबाइल नंबर का। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। ईमेल पे भी आप यहाँ पे PDF मंगा सकते हैं कॉल डिटेल्स का। उसके बाद डायरेक्ट आप डाउनलोड भी PDF कर सकते हैं और यहाँ पर देख भी सकते हैं कॉल डिटेल्स। तो हम यहाँ पर डाउनलोड स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं और हमारे फ़ोन में ये PDF सेव हो जाएगा कॉल डिटेल्स का। यहाँ पे फिर से डाउनलोड स्टेटमेंट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जियो नंबर का PDF कॉल डिटेल्स यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो PDF वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दो, यहाँ पे आपका कॉल डिटेल्स का PDF डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे किस डेट को बात हुआ है, कौन से नंबर पे बात हुआ है, कितने SMS किया गया है, सभी जानकारी आपको मिल जाएंगे। देखिए, जिस भी आपको जियो नंबर का कॉल डिटेल्स या कॉल हिस्ट्री को निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले जियो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और उसी मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर इंटर करेंगे जिस मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स कॉल हिस्ट्री को निकालना चाहते हैं। इसके बाद आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, अलाउ पे क्लिक कर देंगे। आपको OTP किसी तरह लेना है और OTP को इंटर करके आप इसी प्रक्रिया से कॉल डिटेल्स और कॉल हिस्ट्री को निकाल सकते हैं।